टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि मुंब्रा शहर में कब्रिस्तान का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले मुस्लिम समाज को जो कब्रिस्तान दिया गया था उस पर काफी विवाद चला और अब क्रिश्चियन समाज को जो 10 गुंडा कब्रिस्तान की जमीन दी गई है ठीक मुस्लिम कब्रिस्तान के बगल में, उस जमीन को लेकर भी अब विवाद शुरू हो गया। क्रिश्चियन समाज का कहना है कि इस कब्रिस्तान को हमें लीगल तरीके से दिया जाए और इसके खिलाफ जो है उन्होंने आवाज उठाई है और ACP और मुंब्रा पुलिस को जो है इन्होंने लेटर दिया है। हम इन्हीं से बात करते हैं। क्रिश्चियन समाज की जो है जीतू राठौर हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आखिर लेटर में इन्होंने क्या मांग की है, क्या इनका पूरा मामला है। जीतू भाई, क्या पूरा मामला कब्रिस्तान के मुद्दे पर आपका है? देखिए, पिछले कुछ दिनों पहले मुंब्रा MM वैली स्थित कब्रिस्तान की चाबियां अवैध तरीके से, जो कि अभी तक पेपर पर आया नहीं है, अवैध तरीके से हमारे एक पृष्ठ को दी गई थी, जो कि पृष्ठ की भी इच्छा नहीं है उन चाबियों को लेने की। उसके बाद में हमने उन चाबियों को रिटर्न करने के लिए प्लानिंग हमारी शुरू है। आज जिन अधिकारियों ने अपने अधिकार का गलत फायदा उठाकर चाबियों को बांटा है, उनके विषय में जो यहाँ के इंजीनियर हैं गोसावी और यहाँ के जो डिप्टी हैं मनीष जोशी, इनके विरुद्ध में हमने मुंब्रा कलवा के पुलिस के ACP जो हैं उनके पास में आज हमने लेटर के द्वारा कंप्लेंट या तकरार दी है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में हमने तकरार की है और थाने कमिश्नर ऑफिस, थाने जो महानगर पालिका के आयुक्त हैं उनके पास में भी हमने तकरार की है और इस पत्र में हमने लिखा है कि जो लोग गलत अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कहीं भी किसी भी जमीन की चाबियां बांट रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के ऊपर कानून के तहत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसके तहत जो भी इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है या जो भी धाराएं इनके ऊपर लग सकती हैं वो लगाकर इनकी दबंगाई को रोका जाए। क्योंकि हमारा शहर जो है अमन का शहर है, हमारा शहर लीगल काम करने वाला शहर है और अधिकारियों के द्वारा ही इलीगल यानी कि अवैध रीति के काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। लोगों को बुलाकर चाबियां दे दी जा रही हैं, आप एक बार दफना दीजिए उसके बाद कोई आपको पूछने आने वाला नहीं है, जो कि निंदनीय है और गलत है। इसलिए इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट और महानगर पालिका के आयुक्त के पास में हमने पत्र दिया है। तो कार्रवाई में आपने क्या मांग की है? क्या आपने इसमें उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने की बात की है कि उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए? जी, हमने बिल्कुल इसमें लिखा हुआ है कि जो ऐसे अधिकारी हैं उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए, जो भी धारा के तहत इनके ऊपर गुनाह दाखिल हो सकता है गुनाह दाखिल किया जाए और इनकी दबंगाई रोकी जाए। आपका कहना है कि कब्रिस्तान जो है उसे लीगल तरीके से दिया जाए, तो अभी तक आपको उस कब्रिस्तान का कोई पत्र वगैरह कुछ मिला है या नहीं मिला है? और आप कह रहे हैं कि जो है हमें कमिश्नर, जो मनपा कमिश्नर है उनका सिग्नेचर हुआ, हमें कब्रिस्तान का कागज चाहिए, तो ये कब्रिस्तान को हम मान्यता देंगे और इसको लेंगे अन्यथा नहीं लेंगे? देखिए, महानगर पालिका ने जो वहाँ पर सभी समाज के लिए जगह अलॉट की है उसका लेटर हमारे पास में पत्र है, जिसमें मुस्लिम समाज भी है, हिंदू समाज भी है, क्रिश्चियन समाज भी है। वो पत्र होने के बाद में आप जो जमीन दे रहे हैं उसको GB में पास कराकर उसका पूरा पत्र व्यवहार होना चाहिए कि ये जो सर्वे नंबर है, हिस्सा नंबर है, इसके ऊपर नाम आना चाहिए कि ये क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड के लिए ज़मीन है, ये मुस्लिम के लिए ज़मीन है, ये हिंदू भाइयों के लिए ज़मीन है या और भी दूसरे जो हैं। इस प्रकार का अभी तक कोई भी बात नहीं हुई है। कर इसमें टाइम लगता है तो थाने महानगर पालिका के कमिश्नर हैं वो अपने हमें महानगर पालिका की तरफ से लिखित रूप में दें कि हमने इतना इतना जो ज़मीन है 10 घंटा 15 घंटा 20 घंटा जो भी है व्हाटएवर उस ज़मीन को हमने क्रिश्चियन लोगों को दी गई है, तब हम इसको लीगल मानकर इसके अंदर आगे शुरुआत करेंगे। अच्छा, जैसे कि आपने बताया था कि हम इसकी चाबी वापस कर देंगे, फादर को आपकी चाबी दी गई है, तो क्या अभी तक आपने चाबी वापस किया या इसके लिए आपके जो है क्रिश्चियन समाज का दल अलग से जाएगा, उन्हें मिलकर चाबी वापस करेगा? देखिए, इसके बारे में आपको जल्दी मालूम पड़ेगा, जिस दिन हम जाने वाले हैं आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और हमारा पूरे समाज के कुछ लोग, क्योंकि कोविड का समय है इसलिए हम बड़ी संख्या में नहीं जाना चाहते, लेकिन हमारे प्रतिनिधि या फादर्स लोग जो हैं
जरूर हम जाने वाले हैं और दो चार दिन के अंदर ही ये हम काम करने वाले हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से ये क्रिश्चियन समाज जो है कब्रिस्तान को लेकर काफी नाराजगी जाहिर की है और इन लोगों ने जो यहाँ के मनपा के अधिकारी है उनके ऊपर जो है गुनाह दाखिल करने के लिए जो है एसीपी को और मुमरा पुलिस स्टेशन को लेटर दिया है कि इनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए, क्योंकि जो क्रिश्चियन समाज के लिए कब्रिस्तान है, क्रिश्चियन समाज का कहना है कि वो कब्रिस्तान अवैध है, इसलिए इस कब्रिस्तान को ये लेने के लिए राजी नहीं है। जब तक लीगल तरीके से इन्हें कब्रिस्तान नहीं दिया जाएगा तब तक ये कब्रिस्तान नहीं लेंगे। कैमरामैन अफजल के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।